हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, एक बहुत मज़ेदार टॉपिक आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आप सबका पसंदीदा टॉपिक है और मुझे लगता है कि 85% लोग इस चीज़ से ग्रसित हुए होंगे या हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, जो भी नई गाड़ियाँ लेने वाले हैं। तो आज इसके ऊपर करते हैं पूरी बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, नई बाइक लाते समय हम नई बाइक शोरूम से लेकर निकलते हैं और कुछ किलोमीटर्स या कुछ दिन चलाने के बाद, लाइक 100-200 किलोमीटर के अंदर ही इस तरीके की प्रॉब्लम सबको फेस होती है कि अगले डिस्क से और इसके साथ साथ यहाँ पिछले डिस्क से, यहाँ से एक चू 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 की आवाज़ आती रहती है। तो ये चू चू की आवाज़ क्या है, क्यों है, क्यों आती है और इसका सल्यूशन क्या है, तो आइए इसके बारे में आज पूरी बात करते हैं। तो गाइस देखिए, होता ये है, ये आवाज़ सबको आती है, दिस इज़ अ प्रिटी नॉर्मल साउंड, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि ये डिस्क कैलिपर बिल्कुल नया होता है, ये डिस्क प्लेट बिल्कुल नई होती है, ये कैलिपर बिल्कुल नया होता है और इसके बीच में जो दोनों तरफ पैड्स होते हैं वो अंदर से एस्बेस्टस एंड लेदर मिक्स होते हैं। तो एस्बेस्टस और लेदर मिक्स ये पैड्स होते हैं। तो ये बिल्कुल, जब स्टार्टिंग में नई नई गाड़ी आती है तो ये बिल्कुल इस डिस्क से चिपक के चलते हैं, बिल्कुल क्लोजली चिपक के चलते हैं। तो उसकी वजह से ये साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। अब ये साउंड कब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ये साउंड ज़्यादा तब प्रोड्यूस होती है जब आप गाड़ी स्पीड में चलाते हो और ये डिस्क जो है ये गर्म होता है। तो जब ये डिस्क जो है, जब ये गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो एस्बेस्टस और लेदर के उस मिक्सचर को जो कि आपके डिस्क पैड पे होता है उसको और ज़्यादा गर्म करता है, जिसकी वजह से ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इसका सल्यूशन क्या है, कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है, तो गाइज इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप सर्विस सेंटर भी जाएंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या करेगा। अगर आप सर्विस सेंटर भी जाओगे तो वो यहाँ से ये दोनों बोल्ट्स खोलेगा, ये दोनों बोल्ट्स खोलने के बाद इस कैलिपर को अलग करेगा, यहाँ से पैड निकालेगा, उसको एक सैंड पेपर से घिसेगा और उसको वापस लगा देगा। इससे क्या होता है कि डिस्क के और जो डिस्क पैड होते हैं उनके बीच में कुछ mm का, कुछ मिलीमीटर्स का, लाइक 0.5 mm का गैप बन जाता है, जो कि मूविंग गैप बन जाता है, जिसकी वजह से आपको वो चूँचू की साउंड आनी कम हो जाती है। क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न, जब तक अब आप डिस्क ब्रेक को दबाएंगे नहीं तब तक डिस्क गर्म नहीं होगा, तब तक डिस्क पैड के साथ स्टिक नहीं होगा और तब तक आपको वो साउंड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं, अगर आप सर्विस सेंटर नहीं भी जाते हैं और आप इस पर्टिकुलर पार्ट को रब करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंड पेपर के ऊपर रख करके, डिस्क पैड को रब करके और उसको थोड़ा सा घिस करके आपको वो कर दिया जाता है, अगर आप वो नहीं भी कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो साउंड जो है वो 2-3 दिन में अपने आप चली जाएगी। बिकॉज़ क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली रनिंग से ये डिस्क जो है वो हल्का सा आपके उस पैड को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली घिस देगी और उसके सिवाय, उसके बाद आपको ये साउंड नहीं आएगी। अब इसके सिवाय एक साउंड और आती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। अब ये साउंड मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ सुनाता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये साउंड काहे की है। तो गाइज, अब ये जो दूसरा आपको ये प्रॉब्लम आती है, ये कौन सी साउंड होती है, इसको सुनाने के लिए मुझे पहले डिस्क को जो है आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाना पड़ेगा और फिर मैं आपको समझा पाऊँगा कि ये साउंड कैसी साउंड है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गाड़ी को स्टार्ट। भैया रुक रहा है क्या,
ओहो, इधर से साइड साइन हटाओ। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अब मैं अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी साउंड आती है, कट 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 कट। अब आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस साउंड को, लेकिन ये जो साउंड आती है आपको टिपिकली, ये जो होती है, पहले तो मैं आपको बंद कर लेता हूँ, तो ये साउंड आपको आगे से भी आएगी और पीछे से भी आएगी। तो ये साउंड जो होती है कुछ कट 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 लगातार आती है, ऐसा लगता है कि कुछ रग रब कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो साउंड होती है, ये यहाँ पे जो ABS मोटर होता है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, यहाँ पे पीछे ABS मोटर होता है और सिमिलरली यहाँ आगे भी एक ABS मोटर होता है। ये देखिए ABS मोटर होता है इस ABS प्लेट के ऊपर, ये देखिए ये जो ABS प्लेट लगी हुई है इस ABS प्लेट के ऊपर कॉन्स्टेंटली रन करता है। और जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो ABS का काम होता है कि गाड़ी को लॉक होने से रोके। तो उसके लिए क्या होता है कि इंस्टेंटली रिलीज होल्ड रिलीज होल्ड रिलीज होल्ड रिलीज होल्ड, इस तरीके का एक्शन एक क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो कट 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 साउंड जो है आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है। तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं पे गाड़ी के साथ कोई चीज़ रब कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता है। वो जो होती है वो ABS मोटर की साउंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे जो कॉमन सवाल थे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आते रहते हैं अक्सर मुझे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि नई बाइक ली है और इस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।